अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा जो उर्दू का होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा आपका। तो लेक्चर नंबर 1 आपका नज़्म हम थी और नात थी, और ये 3rd आपका चैप्टर का नेम है प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो एक्सप्लेन करूँगी, वो बताऊँगी। उसके बाद इसके जुमले होंगे, फिर इसका बुक वर्क होगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जी, सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी की तरफ जाएंगे। तो उसमें वर्ड है शफकत। शफकत किसको कहते हैं? प्यार या मोहब्बत। ठीक है, दूसरा कौन सा है? लपकना। लपकना दौड़ कर जाना, यानी कि एकदम लपक कर किसी की तरफ जाना, उसकी तरफ दौड़ कर भागना। मेहरबान रहम दिल, इज़्ज़त एहतराम। अब जो आपने अल्फाज मानी में अल्फाज पढ़े हैं ना, उन्हीं के आपने सेंटेंसेस भी बनाने होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जुमले जब बनाएंगे, जब आपको किसी अल्फाज का मतलब क्लियर होगा तो आप उसका जुमला भी बना लोगे। फॉर एग्जांपल, पहला क्या था? शफकत। तो शफकत का मतलब क्या होता है? प्यार या मोहब्बत। ठीक है, तो आप इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे इस वाले अल्फाज को। तो आप कुछ भी बना सकते हैं कि हमें छोटों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। लपकना यानी कि किसी की तरफ दौड़ कर जाना, इस तरह ये जुमले आपने इसके खुद से सारे जो है ना ये बनाएंगे आप। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी बुक की रीडिंग की तरफ, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। 3rd चैप्टर आपका प्यारे रसूल खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मानी बता दिए, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, जैसा कि आपने पढ़ा मेहरबान थे, रहम दिल थे, हर एक से मोहब्बत करते, बच्चों पर तो ख़ास शफकत फरमाते। शफकत यानी कि किसी के साथ बहुत प्यार से पेश आना। बच्चे मिलते तो मुस्कुराकर इन्हें सलाम करते, मुस्कुराकर यानी कि हंस कर सलाम करते। उनका हाल पूछते, उन्हें गोद में उठा लेते और उनसे प्यार भरी बातें करते। प्यार भरी, प्यार से भरी हुई बातें करते, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अगर बच्चों को मिलते या किसी को भी मिलते तो आप हमेशा उससे बहुत अच्छी तरीके से उससे बात करते, उससे मुस्कुरा कर बात करते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया फल लाते, मतलब जो भी नया एक सीज़न का जो नया फल आता है वो आपके पास लेके आते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फल सबसे पहले बच्चों को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते। जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आते तो रास्ते में बच्चों को देख कर अपनी सवारी रोक लेते। मतलब जब आप वापस आ रहे होते तो जहाँ देखते कि बच्चे खड़े हुए हैं, आप वहाँ पे क्या करते? अपनी सवारी को उधर ही रोक लेते और बच्चों को प्यार करते, बड़ी मोहब्बत से इन्हें सवारी पर बिठाते, किसी को अपने आगे और किसी को अपने पीछे। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, लपक कर, जैसा कि अभी आपने इसका मीनिंग पढ़ा है, मतलब पढ़ा है कि तेज़ी से भाग कर या दौड़ कर, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, यानी कि छोटों के साथ जो रहम नहीं करता, प्यार नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को नापसंद किया है कि जो छोटों से प्यार ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे। ठीक है, तो आपका ये वाला जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इसमें आपने अच्छी बातें सीखी। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ आएंगे। इसमें आप देखें जो अल्फाज मानी है वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। शफकत, प्यार, लपकना, दौड़ कर जाना, मेहरबान, रहम दिल, इज़्ज़त, एहतराम। अब हमने इसकी खाली जगह पुर करनी है। आपने ये पूरा सबक अच्छे तरीके से पढ़ा, अब आपको खाली जगह पुर करने में भी आसानी हो जाएगी। पहली कौन सी है? हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी डैश हैं। क्या हैं? अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। नेक्स्ट क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का नया फल सबसे पहले डैश को देते। किसको देते थे? अभी आपने पढ़ा है, बच्चों को देते थे। जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता और डैश की इज्जत नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और बड़ों की इज्जत नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब ये आपके इसके अल्फाज मानी भी हो गए, जुमले भी आपको समझ आ गए, ये बुक वर्क हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे सवाल नंबर 3 इसका, दजजल अल्फाज के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिलते तो क्या करते? कोई सी दो बातें लिखें। तो अब आपने इसमें देखना, नंबर 1 पे आप लिखेंगे मुस्कुराकर इन्हें सलाम करते, नंबर 2 पे लिखेंगे उनका हाल पूछते। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर क्या करते?
तो आपका क्या आपने पढ़ा, आपने इनको इन्हें अपनी सवारी पर बैठा लेते हैं, मतलब जहाँ देखते हैं कि बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे अपनी सवारी रोकते और बच्चों को उठाकर अपने पास या अपने साथ बिठा लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, मतलब हमने जब उनके इस चैप्टर को पढ़ा तो हमें उनकी ज़िंदगी से क्या चीज़ सीखने को मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें शफ़क़त और मेहरबानी का दर्स मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आज वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।